नवभारती डीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक है आज का ज्ञान एवं विश्वास में अंतर। मैंने कल आपको ज्ञान एवं विश्वास के बारे में बताया था। ज्ञान का अर्थ मैं आपको पहले वीडियो में पूरी बता चुकी हूँ। विश्वास में मैंने आपको क्लियर किया था कि विश्वास का अर्थ होता है हमारा आस्था। विश्वास का अर्थ है हमारा आस्था, यानी कि हम जिस पर आस्था रखते हैं। एक देखा जाए तो हमारा विश्वास यानी मन की जो हमारे मन की शक्ति होती है वो हमारी आस्था होती है। कहते हैं विश्वास हम मन से करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम विश्वास मन से करें। हमारे जो विश्वास का तरीका है हम मन से करते हैं विश्वास, लेकिन जहां हम कहते हैं कि विश्वास या तो हम स्वयं अपने मन से करते हैं या हम किसी के द्वारा करते हैं, यानी किसी के कहे हुए शब्दों पर, किसी को हमारे दिखाई हुई घटना काल्पनिक विचार उन पर करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि विश्वास होता क्या है। इसी में मैंने आपको कल विश्वास के दो प्रकार बताए थे कि जो हमारे शिक्षाविद हुए उन्होंने एक तरीके से विश्वास को दो भागों में बांटा था, जिसमें उन्होंने दो नाम दिए थे इसके, पेस्टिस और डॉक्सा। पेस्टिस का अर्थ होता है कि जिसमें हम अपने खुद का जिसमें ज्ञान, यानी कि कहते हैं कि जो हमारे विवेक से तर्क से दूर होता है, हम उसको अपने मन से, जिसे सीधे से शब्दों में कहें प्रैक्टिस को हम, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास यानी स्वयं का विश्वास। आत्मविश्वास होता है हमारा स्वयं का। तो प्रैक्टिस में क्या हो गया, हमारा स्वयं का विश्वास। प्रैक्टिस का अर्थ क्या था हमारा, प्रैक्टिस का अर्थ था आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक था हमारा डॉक्सा। इसमें ये क्या है हमारे, ये है हमारा विचार। विचार डॉक्सा का अर्थ है हमारा विचार, यानी कि यहाँ हमारा आत्मविश्वास और डॉक्सा हो गया हमारा स्वयं का विचार, या जिसे हम कहते हैं समझ। तो इसमें दो तरीके से हो गई, आत्मविश्वास हम मन से करेंगे, आत्मविश्वास हमको स्वयं के कहे हुए शब्दों पर होगी, लेकिन डॉक्सा जो हमारा विचार है वो क्या होगा, हम दूसरों के कहे हुए शब्दों को हम हमारे मस्तिष्क में सोचेंगे। तो यही मैंने बताया था कि विश्वास क्या है। अगर इसी पेस्टिस और डॉक्सा को हम दूसरे रूप में देखें तो हम इसे लिव इन एंड लिव डेड दो नाम दे सकते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया, इन होता है वही हमारा आत्मविश्वास, जो विवेक और तर्क से, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर में हम विश्वास करते हैं, हमें आस्था होती है, हमारा आत्मविश्वास होता है। तो वो क्या है हमारा, पेस्टिस और बिलीफ इन, और बिलीफ डेड क्या है हमारा डॉक्सा, जिसमें हम विचार समझ, जिसको हम बहुत अच्छे से समझ के और फिर हम उस पर यकीन करते हैं। तो ये दो नाम बताए गए, पेस्टिस डॉक्सा बिलीफ इन एंड बिलीफ डेड, ये हमारे आत्मविश्वास विश्वास को प्रदर्शित कहते हैं। विश्वास होता ही है या तो हमारा स्वयं का आत्मविश्वास होता है या हम दूसरे के कई विचारों पर विश्वास करते हैं। अब मैंने जो आपको बताया कि ज्ञान और विश्वास में अंतर क्या होता है, आपको मैंने शुरू में भी कहा था कि ज्ञान जो होता है वो हमारा पूर्ण सत्य होता है, यानी कि हम जब किसी चीज पर अंतिम जाते हैं तो वो ज्ञान हमारा निर्णय लेता है, यानी कि जो सूचना है वो हमारा पूर्ण रूप ले लेती है जब उनमें ज्ञान आ जाता है। कहते हैं कि ज्ञान के ज्ञान हमारा फर्स्ट। अगर हम इसमें अंतर देखें, जो टॉपिक हमारा है ज्ञान विश्वास में अंतर, तो मैं कहूंगी कि ज्ञान की विशेषता है सबसे पहली हमारी कि ज्ञान पूर्ण सत्य है। ज्ञान पूर्ण सत्य होता है, पूर्ण सत्य होता है, यानी कि हमने जो कहा है जिससे हमने निकाल चुके हम अपने वर्ड्स, कहते हैं एक तरीके से तथ्य फैक्टर होता है, प्रमाणिक होता है, जिसको हम अंतिम रूप से मान लेते हैं वो हमारा ज्ञान होता है, यानी कि ज्ञान हमारा पूर्ण सत्य होता है। इसी को हम विश्वास कहें। तो विश्वास, अब आप जानते हैं कि विश्वास हो सकता है कि हमारा पूरा हो भी, और विश्वास हो सकता है हमारा नहीं भी हो। अगर आप स्वयं कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाले आपकी बातों को ना माने, या ये हो सकता है आप सामने वाले की कही हुई बात
वरदान बन जाता है। लेकिन अगर सत्य नहीं है तो वो हमारा विश्वास है, यानी कि वो काम हमारा हो भी सकता है या नहीं। तो कहा जाता है कि जैसे सत्य विश्वास होता है परिवर्तित होता रहता है। हमने देखा है कि आज हम थोड़ी दूर चले, अगर हम किसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, हो सकता है हमारा वो काम ना हो, तो हम क्या अपने मन में सोचेंगे कि नहीं भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। यानी कि हम कहीं ना कहीं उस विश्वास से हट गए, वो विश्वास हमारा परिवर्तित हो गया। अगर उसी चीज अगर हम किसी दूसरे ईश्वर की आस्था करते, अगर हमारा वो काम करते, तो हम कहते कि नहीं हमारे ये भगवान नहीं, हमारे इस भगवान से हमारा काम सही होता है। यानी कहीं ना कहीं हम अपनी आस्था को, इसमें आस्था आ जाती है, हमारा विश्वास आ जाता है। तो कहते हैं कि ये पूर्ण सत्य नहीं होता, इसमें हमारे सत्यता की कमी होती है। पूर्ण सत्य नहीं होता और यह परिवर्तित होता रहता है, वैसे तो ज्ञान भी होता है, लेकिन ज्ञान कब होता है? हमारी आवश्यकता के अनुसार। उस चीज के लिए ज्ञान नहीं होता, जिस विषय, जिस सूचना के लिए हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए परिवर्तन नहीं होगा। हमारा माध्यम परिवर्तित हो सकता है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट निष्कर्ष निकल के आएगा वो परिवर्तित नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हमारा जो हमारा रिजल्ट है वो भी परिवर्तित होता रहता है। यानी कि अगर सत्य नहीं है तो हमारा परिवर्तित नहीं होगा। अब हम देखें इसकी जो हमारा सेकंड है, कहते हैं हम कि हमारा जो ज्ञान होता है, ज्ञान का क्षेत्र वो बहुत बड़ा होता है। अर्थात ज्ञान कैसा होता है? व्यापक होता है। ज्ञान व्यापक होता है। क्यों होता है? हम यहाँ ज्ञान की जो भी नॉलेज लेते हैं वो हमारी विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, या हम कहें कि हम जो विषय, जो सब्जेक्ट हम चुन रहे हैं, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, हम उसके समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हैं कि हमें ये कार्य कैसे करना है, किसके माध्यम से करना है, किसके द्वारा करवाना है, या हम कहें कि इसका हमारा आने वाला, अगर हम कहें तो यहाँ हम अपना आने वाले रिजल्ट तक, अंतिम निर्णय तक भी हम काल्पनिक विचार ले लेते हैं। अर्थात हम इसका आगे का, आने वाले का और पीछे क्या हुआ, इस सब का हम पूरी तरह से इंफॉर्मेशन रखते हैं। यानी कि जब हम जिस चीज पर कार्य करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो ज्ञान का रूप ले रही है सूचनाएं, हम उसको पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। उसका पिछला कहते हैं जिसे हम, कि हम इतिहास भी जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे, हम वर्तमान में भी कार्य करेंगे और हम इससे होने वाले भविष्य का रिजल्ट को भी ध्यान में रखेंगे। तो यानी कि हमारे जो ज्ञान का क्षेत्र है वो हमारा बहुत बड़ा होता है। वही हम कहें तो विश्वास जहाँ हमारा एक छोटा होता है, ज्ञान से बहुत छोटा होता है। ज्ञान में हमारा विश्वास छुपा हुआ होता है, विश्वास में ज्ञान नहीं। यानी कि हमारा जो ज्ञान का जो एक छोटा एक हिस्सा होता है वो हमारा विश्वास होता है। अर्थात विश्वास का क्षेत्र संकुचित होता है या सीमित होता है। ये है हमारा ज्ञान। अब हम इसमें थर्ड में कहें कि ज्ञान है क्या, तो हम कहते हैं कि जो उत्पादन की प्रस्तुति होती है, जो हम उत्पादित करना चाहते हैं वो उसमें संभव होता है। यानी कि हम उसमें क्या करना चाहते हैं, हम एग्जांपल देखें कि अगर हम क्लोरीन गैस बनाना चाह रहे हैं प्रयोगशाला में जाके, तो उससे क्या होगा, हमारा उसका उत्पादन होगा। यानी क्लोरीन गैस बना रहे हैं तो हम क्लोरीन गैस ही बनेगी। अर्थात जिस चीज का हम ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान से उसकी उत्पत्ति हो रही है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं उत्पादन की प्रस्तुति, उत्पादन की प्रस्तुति संभव होती है या संभव है। यानी कि यहाँ जो हम उत्पादित करना चाहते हैं हम उस चीज को उत्पादित करते हैं। अर्थात हम जिस चीज को चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य की हम यहाँ पर पूर्ति करते हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें हमारे उत्पादन की पूर्ति जरूरी नहीं है कि हमारे उत्पादन की पूर्ति कंफर्म वो पूरी हो जाए, या कह दे इसका संबंध
उत्पादन संबंध उत्पादन से नहीं होता। यहां किससे होता है? हमारा यहां पर उत्पादन से न होके उस कार्य करने की जो ज्ञान हम ले रहे हैं ना, उसमें हमारा विश्वास है कि हम उस कार्य को किस तरीके से करना चाह रहे हैं या उस कार्य को हमने किस तरीके से किया है, यानी कि उत्पादन से न होके इस उत्पादन की प्रस्तुति में इसकी सहायता होती है कि उसे किस तरीके से वो कार्य करना है। उस उत्पादन को देखना होता है कि क्या हम जो कार्य करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ उस चीज की उत्पादिता से मतलब नहीं होता, वो उत्पादन करने में हमारी एक सहायता करती है कि हमारे क्या विश्वास है कि ये कार्य करने से इसका उत्पादन हो सकता है। तो यहाँ वो शोर नहीं है कि जिस चीज का उत्पादन करना चाह रहा है वो उत्पादित हो। अब हम चौथा देखें इसमें, जैसा मैंने बताया था कि ज्ञान कैसा होता है हमारा, सार्वभौमिक ज्ञान होता है, स्थानीय भी है, लेकिन हम जिसे कहते हैं कि स्थानीय ज्ञान, तो स्थानीय ज्ञान हमारे विश्वास में आएगा, लेकिन जो एक्चुअली जो सही होती है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा है कि ज्ञान सत्य होता है, जब तक ज्ञान को पूर्ण सत्य सत्य से प्राप्त करते हैं प्रमाणित होता है, वो ही ज्ञान होता है। स्थानीय ज्ञान हमारा एक विश्वास होता है, एक आस्था, ना कि हमारा स्थानीय ज्ञान को हम कहें तो वो सार्वभौमिक। तो ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान सार्वभौमिक होता है, ज्ञान सार्वभौमिक भूमिक होता है, यानी कि हमारा ज्ञान कैसा होता है? सार्वभौमिक। और विश्वास का जो रूप होता है वो होता है हमारा स्थानीय। विश्वास का रूप स्थानीय होता है, यानी कि सार्वभौमिक ये तो जो पूरी तरह से सत्य है, इसको तो हमने सत्य मान ही लिया लिया यूनिवर्सल रूप, जिसे हमने ही नहीं अन्य देशों ने भी मान लिया है, ये तो हमारा पूर्ण सत्य है। लेकिन जहां स्थानीय सत्य की बात है तो ये हमारा पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि विश्वास का रूप जो होता है वो कैसा होता है? स्थानीय होता है। अब हम जो नेक्स्ट इसकी देखेंगे कि ज्ञान का संबंध जब हमारा सत्य है, प्रमाणित है, तो ये क्या होगा? ज्ञान, ज्ञान क्या होगा हमारा? विज्ञान से संबंधित, यानी कि ज्ञान में ज्ञान का संबंध किससे होगा? विज्ञान से। ज्ञान का संबंध विज्ञान से होता है, क्योंकि हमने आज देखा है कि जो हम आज करते हैं, आज जो भी कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य, एक हम कहें कि हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो उसकी जो मेडिसिन लेंगे, कहते हैं कि हम मेडिकल वाले से मेडिसिन लेंगे, अगर उस मेडिकल वाले से हम वो मेडिसिन लेके, जब तक डॉक्टर हमें ये ना कहे, उस पर्ची में, जबकि हमें कहते हैं कि जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर हमें उस पर्ची में अपनी जो दवाइयाँ होती हैं उसको लिखते हैं, उस पर हम मेडिकल वाले से मेडिकल स्टोर से दवाई लेने आते हैं, फिर हम वापस डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? उसी पर्ची को लेने के लिए, दिखाने के लिए कि हमें किस तरह से लेनी है, क्या हम जो मेडिसिन लाए हैं वो सही है, यानी कि उसको प्रमाणित करने के लिए ना। तो हमारा जो ज्ञान है वो क्या है? प्रमाणित। और प्रमाणित हम किसके माध्यम से करेंगे? विज्ञान के माध्यम से। तो ये कहा जाता है कि ज्ञान का संबंध विज्ञान से है। जब ये प्रमाणित ज्ञान है, जब ये ज्ञान, कहते हैं कि इस तरीके से हमने इसको जहां इसको प्रमाण दे दिया, प्रमाणित दे दिया है, तो ये ज्ञान किससे संबंधित हो गया? विज्ञान से। अगर हम यही देखें तो ये जो हमारा विश्वास है वो कैसा होता है हमारा? काल्पनिक। विश्वास कैसा है? ये विज्ञान है क्योंकि प्रमाणित है और सत्य है, लेकिन विश्वास जो होता है वो हमारा कल्पना से भरा हुआ होता है, यानी कि कैसा होता है? काल्पनिक या कल्पनाओं से होता है, यानी कि हम विश्वास कल्पनाओं पर भी आधारित, उन विश्वासों पर कर लेते। कहते हैं कि जो हमारा मन में सोचते हैं हम उसके आधार पर जो कल्पनाएं तैयार करते हैं वो कल्पना हमारे विश्वास में आती है, हमारे एक विचार में रह जाती है, हम मन में सोच लेते हैं, नई नई रूपरेखाएं बना लेते हैं, ये सब क्या है? हमारी कल्पना, जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो सोचने वाली चीज का कभी विश्वास नहीं होता कि वो चीज हमारी पूरी हो। तो कहते
कहते हैं कि जहां ज्ञान का संबंध विज्ञान से है, वही हम देखें कि विश्वास क्या होता है, कल्पनाओं से होता है। हम सिर्फ हमें कहते हैं कि एक हम देखें कि एक सिंपल सा अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम जब किसी शॉप पर सामान खरीदने जाते हैं वहां हम क्या करते हैं, कई बार हम जब किसी चीज को कहते हैं ना कि हम विदाउट जब किसी कंपनी के नाम से कोई चीज खरीदते हैं, तो जब हमारे पास एक जो शॉपकीपर है वो हमें क्या करता है, उस प्रोडक्ट की पूरी चीजें बताता है, वो हमारे लिए क्या होती है कल्पना, वो मुझे हमें ये बताता है कि इस कार्य को इस चीज को करने से ये बेनिफिट है, आपने जो इतनी प्रोडक्ट जो कहते हैं कि एक आपने कंपनी की प्रोडक्ट में और इसमें ये अंतर है, आपके इतने इसमें मनी ज्यादा लगेंगे, ये भी आपका इतना कार्य करेगी, इस कार्य को ये भी ऐसे करेगा, इसके और जो फंक्शन है इसमें इतने फंक्शन इसमें ज्यादा है, तो ये सब क्या है हमारी कल्पना, यानी कि वो हमें एक कल्पना के सागर में डुबो देता है। तो कहा जाता है कि ज्ञान का संबंध विज्ञान से है, प्रमाणित है, लेकिन विश्वास जो होता है वो हमारे कल्पनाओं से भरा हुआ होता है, यानी कि हम उस कल्पनाओं पर विश्वास करते हैं जिस पर कि हमें सामने वाला विश्वास दिलाता है। अब देखिए हम नेक्स्ट इसमें कि ज्ञान होता है जो स्थिर है, ज्ञान स्थिर है, यानी हम जो कहते हैं कि ज्ञान सत्य है, सत्य है तो हम उसको मानेंगे और मानेंगे तो वो स्थिर रहेगा, उसे हम भी मानेंगे और आने वाली कहते हैं आने वाली पीढ़ी भी उसे मानेगी। तो क्या होता है ज्ञान, अगर हम इसका रिजल्ट देखें, हम जो आंकड़े जनसंख्याओं के आंकड़े जो हम प्रतिवर्ष निकालते हैं, जो सत्य हो जाती है हमारे लिए, वो प्रतिवर्ष के लिए स्थिर हो जाती है हमारे दिमाग में, और उसको अगर हम ये कहें कि 2011 में हमारी जनसंख्या वृद्धि इतनी थी, तो क्या हम उसको जाकर बाद में ये कह सकते हैं कि नहीं 2011 में ये चेंज हो गई थी अब ये है, हम ऐसा नहीं कर सकते। 2011 में जो हमारी जनसंख्या आंकड़ा है वो 2011 में वो ही रहेगा, अर्थात हमारा ज्ञान स्थिर होता है, हम ज्ञान को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन जहां हम देखें तो विश्वास हमारा है, विश्वास हमारा स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता। हम देखें कि जब हम एक सैनिक होता है, जो हमारे कहते हैं कि आर्मी में जो सैनिक है, अगर वो सैनिक हमारे आज हमारे देश के लिए जहाँ कारगिल में जहाँ लड़ाई करी उसने, और उस जगह से हटके वो दूसरी जगह जाता है, तो हम क्या उसकी उस चीज को, उस विश्वास को दूसरे लोग, जरूरी नहीं है कि उसकी कही हुई बातों पर वो विश्वास करें कि वास्तव में इन्होंने कारगिल में इतनी अपनी हेल्प करी थी, युद्ध में इन्होंने इतना साथ दिया था, क्योंकि उस पर उसके पास प्रमाण नहीं होता, या कहें कि वो मेडल, एक मेडल मात्र में भी कोई विश्वास, कई बार ऐसे होता है कि जो सैनिक होते हैं जो जिस युद्ध में लड़ाई करते हैं उनको वो जो मेडल है वो ना मिले, या उनकी हेल्प के लिए वो रहते हैं वो भी सहायता उतनी करते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि उनको वो प्रोत्साहन उनको ना मिला हो। तो क्या है ये हमारा विश्वास, कहते हैं कि ज्ञान हमारा स्थिर है लेकिन विश्वास हमारा स्थिर नहीं होता, क्योंकि विश्वास को हम जब कहेंगे तो जरूरी नहीं है कि जितना विश्वास हम कर रहे हैं उतना ही विश्वास वो दूसरा व्यक्ति भी या सामने वाला व्यक्ति भी करे। ये है हमारा ज्ञान में एक 7 पॉइंट आ रहा है हमारा कि ज्ञान क्या होता है, प्रामाणिक, ज्ञान प्रामाणिक या फिर प्रमाणित किया हुआ होता है, ज्ञान प्रामाणिक होता है, ज्ञान प्रामाणिक होता है, लेकिन विश्वास हमारा क्या होता है, विश्वास में हमारे प्रामाणिकता का अभाव होता है, विश्वास हमारा प्रमाणित नहीं होता, विश्वास में प्रमाणिकता का अभाव, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो प्रमाणित किया हुआ उसमें होता ही नहीं है, यानी कि वो प्रमाणित नहीं होता है कि जो हमारा ज्ञान है वो तो हमें प्रमाणित किया हुआ है लेकिन विश्वास में प्रमाण नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो 8 पॉइंट है, हमने कहा है कि ये क्या होता है, व्यक्तिगत विचारधाराओं के जो हमारी स्वयं की विचारधारा होती है इसका इसमें ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि पर्सनल हमारे कोई व्यूज नहीं होते। अगर कहते हैं कि जब तक हमने पर्सनल व्यूज भी रखे हैं उसमें, हमारे व्यक्तिगत विचार भी रखे हैं, तो जब तक वो प्रमाणित नहीं होगा तब तक हमारे उन विचारों को कोई भी इंक्लूड नहीं करेगा, अर्थात हम इसमें देखें कि व्यक्तिगत विचारधाराओं का
व्यक्तिगत विचारधाराओं का प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो हमारा विश्वास है, जो हमारा विश्वास है उसमें तो क्या होती है हमारी व्यक्तिगत विचारधारा, यानी विश्वास है क्या? मैंने पहले भी बताया विश्वास तो है ही हमारा खुद का विश्वास, यानी कि वो तो हमारे स्वयं की विचारधारा है। तो कहेंगे इसमें विश्वास में, विश्वास एक व्यक्तिगत विचारधारा है, अर्थात जैसा कि हम सोचते हैं वही हमारी विचारधारा होती है, यानी कि विश्वास यहाँ ये व्यक्तिगत विचारधारा का इसमें कोई समावेश नहीं होता ज्ञान में, लेकिन विश्वास में, विश्वास में व्यक्तिगत अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।